दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक जो शौक होता है हर एक चीज़ का, वो जिगर से होता है। जिसमें जिगर है वही शौक करता है, और शौक में हमेशा घाटा होता है। इसकी जो कड़ी है, एक ये लोकेश कुमार जी है, शौकीन बंदे हैं, हर एक चीज़ का शौक करते हैं। और देखो, पशु धन भी बहुत शानदार है। और जो मैं आपको दिखा रहा, देखो, एक प्यारा सा डोगी बैठा, जर्मन शेपर्ड, उसका भी बहुत शौक है। और देखो, बहुत शानदार शौक है। एक कबूतरों का भी शौक बहुत शानदार कर रही है, देखो। और लगभग पाकिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के जितनी भी वैरायटी है हमारे भारत में कबूतरों की, सारी वैरायटी इनके पास है, जो भी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ये देख रहे हैं आप। और जितनी भी डिटेल है शौक की, लोकेश भाई से लेंगे। पहली डिटेल लेंगे हम इनकी पशुधन के ऊपर। देखो, एक इनके पास भेड़ा है देसी, एक सहीवाल गाय है और एक थारपारकर गाय है। और देखो, पीठ पुट्ठा लंबाई बिल्कुल शानदार है। सारी डिटेल लेंगे लोकेश दे, लगभग लोकेश कुमार जी, लगभग पूरी डिटेल जितनी भैंस की आप ले रहे, पहले तो ये बताए, जानकारी दे हमारे जितने भी सब्सक्राइब व्यूअर्स है, ये भैंस कहाँ से लेकर आए थे आप? मैं ये भैंस लेकर आया था राजस्थान से। राजस्थान से जी। जो ये फर्स्ट टाइमर लेकर आए थे, सेकंड टाइम? मैं इसको फर्स्ट टाइम लेकर आया था। आपके यहाँ कितना दूध दिया? इसने मेरे फर्स्ट टाइम में 14 लीटर दूध निकाला। 14 लीटर जी? 14 लीटर दूध निकाला जी। 14 लीटर मेरे से यहाँ से आगे निकाला, थोड़ी सी दिक्कत में हो गई थी, वहां से मैं 16 लीटर लेकर आया था। 16 लीटर पे पास करके ले गए थे? 16 लीटर पे मैं इसको पास करके ले गया था। 14 लीटर इसने मेरे घर पे निकाला। घर पे निकाला, बच्चे को पिला के, एक थन। अच्छा, एक थन बच्चों के? बच्चे को। लगभग इसका दूध 18 लीटर की भैंस है ये? 18 लीटर की भैंस है। अब इसका अभी ब्याह है, थोड़ा सा दिक्कत में होगी, बीमार चल रही। लगभग जब फर्स्ट टाइमर राजस्थान से ली थी आपने, कितने रुपए की ली थी? ये मैंने खरीदी थी वहाँ से 1,35,000 रुपए। 1,35,000 की जो मेरी खरीद थी। खरीद थी, देख रहे आप, जो देख रहे जाना खाना वो सब। बॉडी एक्सटर्नल है, बहुत शानदार है। इसका पीठ पुट्ठा भी शानदार है, जो लंबाई भैंस की बहुत शानदार है। देखो आर्डर क्वालिटी भी, और देख जो थन है, मुट्ठी के थन है, भैंस के जो थन होने चाहिए मुट्ठी के थन होने चाहिए, और बहुत बढ़िया शानदार भैंस है। लगभग अब जाइए, जो सेकंड टाइम ब्याई आपने, किस बोलते है क्रॉस करवाई थी जो आपके? इतनी नॉलेज नहीं है थी, थोड़ी मैं गलती कर बैठा। अच्छा, क्यों गलती कर बैठे, ये तो जानकारी? थोड़ा सा नया नया शौक लगा, मैं नया हूँ। हाँ? इस मामले में इतनी नॉलेज नहीं थी, अगर मैं लेना चाहता किसी भाई से, किसान भाई से, क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ इस काम। एक बात और बता दूं लोकेश भाई, सबके जानकारी है, सभी किसान भाई 100 रूपए 130 रूपए के का सीमन लगवाते हैं जी। 130 रूपए में कुछ नहीं आता आज के समय। जो डॉक्टर है उन्हें भी अपने पेट्रोल निकालना पड़ रहा है, पेट्रोल और अपने दाढ़ी भी, जो भी। आप वे सीमन लगाते हैं, वो 10-15-20 रूपए वाला सीमन लगाते हैं। नॉलेज नहीं थी, क्योंकि इसने एकदम डाल दिया, गांव में था झोटा, उससे मैंने इसको करा दी, पर मैं इतनी गलती मान रहा जिसकी कोई था नहीं थी। अच्छा, अब कितने दिन की ब्याई होली? ये होगी 15 दिन की ब्याई हुई होगी। हाँ, अब कितना दूध दे रही है? ये झूठ तो मैं देखो बोरे पे बोलना जाने का नहीं, देखो किसान भाइयों को। हाँ? ये 12 लीटर अब जा फिलहाल ठंडा दूध निकाल रही। ठंडा निकाल, कुछ दिक्कत है नहीं, थोड़ी बीमार इसके बुखार हो गए, खड़ी खड़ी भी आ गई थी। अच्छा, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई, डॉक्टर बुलाया, फिर उससे थोड़ा सा भैया चल रही दूध की तरफ को। अच्छा, जब अब जाए कितने दिन की ब्याई हुई होली? ये 15-16 दिन की ब्याई हो चुकी। अच्छा, जो अब जाए इसकी आगे हिट पे आवेगी, उसके लिए क्या कौन सा बुल सिलेक्ट कर? जी अब तो अभी तो सिलेक्ट किया नहीं, पर सोच रहे की युवराज या कोई, मतलब की अच्छे से अच्छा बुल। लगभग देखो मैं जानकारी दे दूं, पहले ही सेलेक्ट कर लेना चाहिए बुल। अभी तो टाइम है, जो सेलेक्ट करूंगा मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ कि अब के सबसे अच्छा वो मुझे, मतलब कि जो सब पैसों वाली तो कोई बात नहीं, मतलब कि जो सबसे अच्छा बुल होगा और उसका रिजल्ट होगा, उसका मुझे इसके बीज रखवाना है।
अच्छा थोड़ी सी जानकारी एक दे, देखो मैं तो शौक की बात आ गई, भैंस के साथ साथ आपके पास गायें भी है जी, और आप एक भेड़ा भी है, भेड़ा भी ले रहे, देखो हरियाणा नस्ल का, देखो इसकी भी वीडियो भी आएगी। और जो कबूतर का शौक है वो कहाँ से लगा? कबूतर का शौक ऐसा लगा जी, यारी दोस्ती में घूमते फिरते में एक जगह गया, वहां पे देखे मैंने, मेरा दोस्त लगा था, मैंने वहां पे गया देखा, देखने के बाद मैं दो लेके आया घर पे, लाने के बाद में घूमने फिरने लगे, लगते लगते बस मैं पहले तो सबसे शुरू में देसी लेके आया, उसके बाद जैसे उड़े भाई मैं उड़ाता था, ये उड़े नहीं रहे, दो चार चक्कर मारे अपने घर आगे बैठ जा। अब मैंने पूछा भाई तुम क्या खिलाते हो इनको, ये बोले भाई ये हमारे पंजाबी कबूतर है। फिर मेरे एक आदमी से संपर्क हुए, मैंने उससे बातचीत करी, बातचीत करने के बाद वो बोला भाई ये तो, फिर मैंने फरीदकोट से कुछ जो मैंने उस आदमी को पैसे दिए, मैंने फरीदकोट से भी कम जो मैंने शुरू में कबूतर परचेज किए थे 50,000 रुपए के, मैंने 5 कबूतर परचेज किए थे। देखो बहुत शानदार है, देखो बहुत बढ़िया भैंस है भाई, और देखो ये, हाँ और ये इसकी मजा लगे भाई, फर्स्ट टाइमर कटिया है, देखो कटिया भी शानदार लग रही भाई।